उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दल हर वह कदम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें कुर्सी मिल जाए। इसके लिए वह कई बार टोटके और अंधविश्वास भी अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश के नेता भी इसमें पीछे नहीं है। कोई खास जगह से चुनावी रैली शुरू करता है तो कोई खास रंग के कपड़े पहनता है। इस बार 12 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय यात्रा शुरू की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी रक्त यात्रा निकालती है तो राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है। समाजवादी पार्टी का कानपुर से अलग ही नाता है। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में चौधरी देवी लाल द्वारा शुरू की गई क्रांति रथ की कमान कानपुर से ही संभाली थी। इसके अलावा साल 2012 में भी कानपुर से कनेक्शन अखिलेश यादव के लिए खास रहा है। उस बार भी अखिलेश ने वहां से चुनाव अभियान का बिगुल बजाया था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने से पहले तक मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक अपने कार्यकाल में नोएडा जाने से बचते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री रहते कोई अगर नोएडा जाता है तो उसकी सत्ता में वापसी नहीं होती है। हालांकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस टोटके को नहीं माना और वह अपने कार्यकाल के दौरान कई बार नोएडा जा चुके हैं। 80 के दशक में नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह जब नोएडा गए थे तो उसके पास कुछ समय बाद वह चुनाव हार गए थे। इस वजह से मुलायम सिंह यादव नोएडा जाने से बचते हैं। हालांकि 2011 में मायावती नोएडा गई थी और उन्हें अगले बार चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को अक्सर गुलाबी और सफेद कपड़े पहना देखा गया है। उन्हें अपने जन्मदिन पर अक्सर गुलाबी कपड़े पहनते हुए देखा गया है। मायावती खुशी के मौके पर जैसे उनका जन्मदिन पर गुलाबी कपड़े पहनती हैं। पार्टी के नेता भी कनेक्शन से इत्तेफाक रखते हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय को लेकर भी एक टोटका लोकप्रिय है। नेताओं का मानना है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में पेंट कराते हैं तो उनके लिए अगले चुनाव में खेल खत्म हो जाता है। मसलन महावीर प्रसाद, एनडी तिवारी, सलमान खुर्शीद और रीता बहुगुणा जोशी के साथ ऐसा हो चुका है। साफ है कि चुनावी माहौल में जीत के लिए कुछ भी करेगा जैसी सोच के साथ राजनेता आगे बढ़ते हैं।